ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसका सीधा लाभ देश के स्टार्टअप्स और छोटे कंपनियों को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स ने एक व्यक्ति कंपनियों यानी ओपीसीज के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स के इस फैसले से देश के स्टार्टअप और छोटे कंपनियों को कई जंजालों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपने कारोबार बढ़ाने में मदद। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स के इस फैसले से अब फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत छोटी कंपनियों के साथ स्टार्टअप का विलय संभव होगा। विशेष रूप से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं और संगठित कॉरपोरेट क्षेत्र में अधिक असंगठित व्यवसायों को लाने के लिए ओपीसीज कंपनी नियमों में संशोधन कर ओपीसी को पूंजी और टर्नओवर पर किसी भी प्रतिबंध के बिना बढ़ने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी समय किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में उनके रूपांतरण की अनुमति मिल पाना अब संभव होगा। अहम बात यह है कि पहले एनआरआई को ओपीसी शामिल करने की अनुमति नहीं थी। अब कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसे ओपीसी बनाने की अनुमति होगी। भारत में निवासी होने के लिए अनिवासी भारतीयों के लिए निवास अवधि भी 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा अब एक व्यक्ति कंपनी यानी ओपीसी को एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी में परिवर्तित करने की अनुमति कभी भी दी जा सकेगी। एक व्यक्ति कंपनी को अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के अलावा एक निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। सदस्यों और निदेशकों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाकर 2 या न्यूनतम 7 सदस्यों और 3 निदेशकों के रूप में हो सकता है। इसी तरह ओपीसी के लिए वर्तमान में लागू पूंजी और टर्नओवर की सीमा को दूर किया जा रहा है।